बोत्सवाना में हमें महल देखने के लिए मिल रहा है फर्स्ट टाइम। चलो आपको दर्शन करवाते हैं पहले कृष्ण बलराम जी के। जय जगन्नाथ जी। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो हम बहुत दिनों बाद आए हैं, बट बैक टू बैक कुछ कुछ स्पेशल लेकर आने वाले हैं। तो आज है सैटरडे का दिन और आज हम आपको दिखाएंगे रथ यात्रा की प्रेपरेशंस और क्या क्या पूरे दिन रहने वाला है ना, वो सारी चीजें दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे। और बस अभी निर्भय की क्लास है, उसको क्रिकेट की क्लास है तो उसको ड्रॉप करने आए हैं और आज बहुत ज्यादा ठंडा। आई वंडर कि कल जब रथ यात्रा सुबह में है, आज 1 डिग्री है सुबह का टेम्परेचर दिखा रहा था, तो कल पता नहीं कैसे, होपफुली अच्छा रहे, वेदर ठीक रहे। तो बस अभी निर्भय को ड्रॉप करते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। रेडी? तो धूप बहुत अच्छी आ रही है बट ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो बस ने मेरे को ड्रॉप कर दिया है और अभी मैं निकल रही हूँ मंदिर। मंदिर जाना है, वहाँ पर हमें रथ डेकोरेट करने की सेवा मिली हुई है, तो बस वहीं चलते हैं। तो मंदिर हम पहुँचने ही वाले हैं। देखिए तो मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं और बाहर बहुत सारे पिकॉक्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और बिल्कुल मेरे पीछे ही रथ है, उसके ऊपर बहुत सारे पिकॉक्स भी चढ़ी हुई है। चलो आपको दर्शन करवाते हैं पहले कृष्ण बलराम जी के। ये देखो, यहाँ हमारे मोती साहब, मतलब मोती नहीं है और है, और बाकी जो है उसके रथ के ऊपर चढ़ी हुई है। हरि बोल। जगन्नाथ जी को आज यहाँ पर स्थापित कर दिया है और दर्शन कर लीजिए। जय जगन्नाथ। यहाँ देखो कितनी प्यारी सी रंगोली भी बनाई हुई है। तो रथ अभी सिर्फ उसमें कपड़ा लगाया हुआ है और बाकी का अंदर पूरा अभी डेकोरेट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लिटिल वंस हमारी हेल्प करवा रहे हैं। हाय बोल प्रभु जी। तो यहाँ पर अभी पीकॉक्स को डेकोरेट कर रहे हैं। तो अभी गौरा ने कहा कि यहाँ पर फूल से गार्लैंड बनानी है, तो उसमें खुशी भी मेरी हेल्प करवा रही है। बेचारी स्कूल से आई है अभी। तो यहाँ पर देखिए पूरा तैयार हो चुका है, एक कटआउट वहाँ चला जा चुका है और यहाँ आई है भाभी। आज सभी लोग सेवा के लिए आए हुए हैं। हरि बोल भाभी। कोई ना कोई अपनी सेवा दे रहा है, कोई किचन में है, कोई ऊपर है, सब जगह। तो अभी मैं निर्भय को लेने आई हुई यहाँ पर, बीच में ब्रेक लेकर हो गया फिनिश। कैसा रहा दिन? अच्छा रहा। तो अभी आप भी चलेंगे हेल्प करवाने के लिए, अभी थोड़ा रहता है, थोड़ा नहीं वैसे काफी रहता है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। प्रसाद सर्व किया जा रहा है जिसमें है सांबर, सब्जी एंड छोले भटूरे, लड्डू। जो निर्भय तो प्रसादम पा रहा है, हमारा अभी काम थोड़ा बाकी है वहाँ पर। तो अभी हम लोग घर आने के बाद फ्रेशन अप होके चेंज करके अभी कहीं जा रहे हैं। वो जगह मतलब जहाँ जा रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है ना, उसकी खुशी में एक पार्टी थ्रू की जा रही है। तो बस वहीं जा रहे हैं और निर्भय की वाइफ से मिल लीजिए, जिनसे तो आप मिले ही नहीं है। नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो बस अभी वहाँ जाते हैं, वहाँ के छोटे छोटे ग्लिम्स आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद फिर हमें कंटिन्यू करनी है वहाँ पर। अभी पूरा रथ डेकोरेट नहीं हुआ है, कुछ ही काम हुआ था, बाकी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे सब लोगों का कुछ कुछ रहता है। कोई कुछ सेवा करवा रहा है, कोई कुछ सेवा करवा रहा है और साउथ अफ्रीका से भी लोग आए हुए हैं। और बस बने रहिए। फाइनली अपनी जो वेन्यू है वहां पहुंच चुके हैं। काफी अंदर जाकर था, तो यहाँ पर मतलब बोत्सवाना में हमें महल देखने के लिए मिल रहा है फर्स्ट टाइम। पीछे कुछ ऐसे लोकेशन है, तो कुछ फार्म वगैरह है किसी का। कौन सी तोप? महल की तोप है। अच्छा, आगे काफी लोग आए हुए हैं T20 सेलिब्रेट करने के लिए। देखो बोत्सवाना, अफ्रीका में भी सेलिब्रेशन हो रहा है, इंडिया में तो खैर हो ही रहा है, तो इंडिया के बाहर भी हो रहा है। के झंडे लग गए हैं इंडिया के। रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक हो रहा है।
जो भी हमें देखे वो कहता रहे। गर्मा गर्म भटूरे बन रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से डायरेक्ट लोग लेके जा रहे हैं इधर। नहीं, और खाने में काफी कुछ है। यहाँ पर भी क्रिकेट चल रहा है। किसको नहीं जाना है? नहीं जाना? निर्भय चलो, लेट्स गो। व्हाट? नो। और यहाँ की लोकेशन देख ली, कितना अच्छा बना हुआ, सब कुछ ग्रीनरी ग्रीनरी। आहा, चौका। और ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ आई थिंक। तो अभी हम लोग वहाँ से आ गए हैं। वहाँ पर दो तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा था, एक तो अपना T20 वर्ल्ड कप जो लेकर आए, और यहाँ बोत्सवाना में जो हमने आपको पहले वाले मैचेस में दिखाए थे ना कि यहाँ पर भी इंडिया टीम जीती थी, तो दोनों का सेलिब्रेशन हुआ था। तो बस अभी खाना पीना और डांस वैंस जो भी कर, वो सब आपको दिखाया थोड़े थोड़े ग्लिम्स। तो अभी हमें जाना बैक टू इस्कॉन टेम्पल अगेन, क्योंकि अभी रथ पूरा कंप्लीट डेकोरेट नहीं हुआ था और बहुत सारी और भी सेवाएं हैं जो चल रही होंगी, और आज तो कीर्तन भी है, तो वो सब आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। तो वहाँ पर भी तैयारी चल रही है, पूरे टेबल्स एंड चेयर्स लग चुके हैं, स्पीकर्स की तैयारी चल रही है। मंदिर में आपको ऊपर दिखाते हैं, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट। तो अभी फ्लावर्स की गार्लैंड्स बनाई जा रही है रथ को सजाने के लिए, और भगवान जी के लिए फ्रेश फ्लावर्स की सेवा चल रही है अभी, और फिर कीर्तन शुरू होने वाला है। प्रसाद सर्व किया जा रहा है, आज के महाप्रसाद में है कढ़ी चावल, सब्जी, परांठा एंड पापड़। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और तैयारियां काफी हद तक फिनिश हो गई हैं। कुछ एक छोटी छोटी चीजें रह गई है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह जाकर हो जाएंगी, एंड नेक्स्ट व्लॉग को जरूर देखिएगा। यहाँ की रथ यात्रा देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, कितने अच्छे से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि सुबह से मतलब स्टार्टिंग से आपको एंड तक पूरा दिखाएं। तो बस इसी तरीके से बोत्सवाना का लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। राधे राधे, जय जगन्नाथ।
आओ को ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलते जल्दी मिलते हैं नई ब्लॉग तब तक के लिए बाय राधे 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 टू एवरीवन।